रमेश, त्रिलोक कहाँ हो सब? घर पे कोई नहीं है, हमने सबको बाहर भेज दिया। मंदिर की सफाई करनी थी और पूजा का सामान भी लाना था। बस ये दिन देखना बाकी रह गया था। मेरे घर की सफाई अब ये लड़की करेगी। छोटे से दिए बनाने में तो इसने ये हाल कर दिया, घर साफ करेगी तो पता। देखो देखो गुड्डन, बस बहुत काम हो गया, अब जाके ना थोड़ा रेस्ट कर। मार्केट से आकर कोई भी ये सब साफ कर दे, क्योंकि तुम करोगी काम एक बिगाड़ोगी दस। क्यों हम करेंगे? हम क्यों नहीं करेंगे? हम ही करेंगे, हमें ये जिम्मेवारी मिली है, तो हम क्यों नहीं करेंगे? ये ना हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको, आप जैसे जितने भी है ना, जिनको लगता है कि गुड्डन से ना हो पाएगा, उन सबको ना गलत साबित कर सके। मदद की आपने 2 पैसे की और अकड़ दिखा रहे हैं कितनी, 2000 के नोट जितनी। और क्या कह रहे हैं, काम करोगी एक और बिगाड़ोगी दस। हमें लगा था आप बाकियों से अलग है, आपको हम पे भरोसा होगा, पर नहीं, आपने भी दिखा दिया ना कि आप भी बाकी जैसे हैं। सबकी तरह आपको भी लगता है कि हम तो नहीं हो पाएगा। पूजा होने से पहले हम इस जगह को ऐसा चमका देंगे, ऐसा चमका देंगे जैसे आपको वो रेस्टोरेंट और अपनी दांत भी नहीं चमकते होंगे। अपने आसपास देखो जरा, क्या किया है तुमने मेरे आने से पहले? मेरी मदद के बदले थैंक यू बोलने की जगह तुम मुझको अकड़ दिखा रही हो। एक मिनट, किस बात का थैंक यू? हमने आपको बोला था कि आओ और हमारी मदद करो। नहीं ना, आप खुद आए तो हम तो थैंक यू बोले। ठीक, आज के बाद अगर तुम गले तक पानी में भी खड़े होकर मदद मांगोगी ना, तब भी अक्षत चिंतल तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो हम भी डूब के मरना बेहतर समझेंगे, आपसे मदद नहीं मांगेंगे। अब आएगा मजा। आज तो मजा ही आ गया गुड्डन। वो दिनों अंकल ने मूड खराब नहीं किया होता ना, तो सब सारा दिन अच्छा जाता। खैर कोई बात नहीं, अब कोई ये तो नहीं कहेगा कि गुड्डन तुमसे सब किसने किया? कुछ कर गुड्डन, वरना सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। भाग! आपने हम पर इतना विश्वास किया, भले ही दिया टूट गया हो, पर वो विश्वास हम कभी नहीं टूटने देंगे।
और दादी तूफान का तो काम ही यही होता है ना, आकर सब उजाड़ देते हैं। पर दादी हम सब वापस बनाएंगे अपनी हिम्मत और अटल विश्वास। पर बेटा तेरा हाथ जल जाएगा। पर दादी हाथ से ज्यादा जरूरी तो पूजा का मुहूर्त है ना, और आपने ही तो कहा था कि कितना शुभ मुहूर्त है, तो आप बस जल्दी से पूजा की तैयारियां शुरू कीजिए। हाँ जी सटक ली, बनने में टाइम नहीं लगाते हाँ। मम्मी छुटकी और हमारे पापा तीनों में जान से बढ़कर प्यारे हैं, तो जब कोई उनके बारे में बोलता ना तो हमारे हाथ और जुबान दोनों चलने लगते हैं। हो गया बोल के, तो अब ये नाटक बंद भी करो। दिन रात ये नाटक करके थक नहीं जाती क्या तुम? अपने हाथों में दिया जलाकर सबका दिल जीत लिया तुमने, आदर्शवादी सास बन गई सबकी नजरों में। पर एक बात का ध्यान रहे, बाकी घर वालों की आंखों में धूल झोंक सकती हो तुम, पर मेरी नहीं। पिछले कई सालों से मेरे बने हुए दिए में पूजा होती आ रही, और आज तुमने बड़ी चलाकी से उसे तोड़कर मेरी जगह लेने की जो ऊंची हरकत की है ना, वो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी गुड्डन। वर्चस्व की भूख है ना तुम्हें गुड्डन, तो ठीक है, अब आपकी ये बहू जो आपको सास मानती भी नहीं, ये आपको आपकी असली जगह दिखाएगी। आशीर्वाद दीजिए मुझे कि जो लोग आपके बारे में कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा गुड्डन, उसे मैं सच साबित करके ही रहूं। अपने अस्तित्व को बचाने की जंग अब से शुरू होती है। इंग्लिश में गुड मॉर्निंग, हिंदी में शुभ प्रभात, और संस्कृत में सुप्रभातम दादी। क्या बात है, तीन भाषाओं में सुबह की शुरुआत हो रही है। दादी पता है क्या, हमारे ना एक डायरेक्टर सर है वैभव सर, हमें एक्टिंग सिखाते थे, वो ना रोज सुबह ऐसे मैसेज करते गुड मॉर्निंग वाला, तीन तीन भाषाओं में, वहां से आदत पड़ गई। ठीक है, पर बेटा तू इतनी जल्दी क्यों उठ के आ गई? अरे दादी एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, ये उठी भी है कि नहीं। क्या है ना माँ, आपकी बहू को रात को नींद में चलने की आदत है, यही नहीं दूसरों की नींद खराब करने के साथ इन्हें चोरी करने की भी आदत है। आपकी बहू रात में क्लेप्टोमेनियाक बन जाती है। अब वो क्या होता है? जिन्हें चोरी करने की आदत होती है ना माँ, उन्हें क्लेप्टोमेनियाक कहते हैं। बाकी आप इनसे ही पूछ लीजिए, इनकी बीमारी है, ये थोड़ा बेहतर जानती होंगी। हमसे क्या पूछना है? दादी यही बता देंगे आपको, वैसे भी इनको सारी इन्फॉर्मेशन तो होती ही है। इंटरनेट पे सर्च करने से अच्छा ये आप पर सर्च करना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी, लोगों का मजाक उड़ाने में जो हेल्प मिल जाती होगी। बस करो, और खबरदार मेरी गुड़िया जैसी गुड्डन को तंग मत करना। हाँ एकदम सही काम है आपने, आपकी गुड्डन तो है ही गुड़िया, खोखली और दिमाग से एकदम खाली। दादी आप इनको समझा लीजिए, आखिरी बार कह रहे हैं। दे रही हो मुझे? हाँ धमकी दे रहे हैं। क्या कर लोगे? ओए ओए बस हो गया आज का। हाँ जितना जो लड़ते हैं ना उतना प्यार भी करते हैं, और इस प्यार को बनाए रखने के लिए भगवान से आशीर्वाद लेना भी जरूरी होता है। चलो आओ भगवान को भोग लगाओ। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, आप ये सारे काम अपनी गुड़िया से ही करवा लीजिए। ओ तू चुप करे। हाँ इधर आ, भगवान को भोग लगा कर जाना है, चल ये पकड़।
ये चेयर खाली क्यों है? ये गुड्डन के लिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि दत्ता कितना शातिर है, उसके साथ खेलते वक्त बहुत ध्यान से रहना पड़ता है, और आप इस गलतियों की दुकान को मेरे साथ बिठाना चाहती हैं। जिसे तू गलतियों की दुकान कह रहा है ना, वही तेरी मदद करेगी। जानता नहीं तू पत्नी पति के लिए लड़की होती है। तो क्या लक को साथ लेकर बैठना जरूरी है? नहीं माँ, मैं जिंदल साहब, किस्मत हो तो बिल्कुल आपके जैसी। दो दो शादियां और दूसरी बीवी पहले वाली से भी ज्यादा खूबसूरत। क्या बात है। और इंदौर के सबसे फेमस कपल के साथ एक फोटो तो बनता है यार। अरे अंकल, ये ना लॉर्ड कृष्णा जी का आशीर्वाद है। अब देखना, अब अगर ऐसे पुत्र आएंगे तो लक्ष्मी जी तो हमारे पास ही आएंगी ना। आप बस देखते रहिए कैसे जितवाते हैं आपको आगे आगे। नल साहब, इंडिया के यंगेस्ट सास होने के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। इनके बचपने को देखकर तो लग रहा है कि भाभी जी हमारी तरफ से खेल रही हैं। मुझे अक्षत भाई साहब और भाभी को देखकर लगता है कितनी क्यूट जोड़ी है, राइट? दत्ता, गेम पे ध्यान दो, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो, नजर हटी दुर्घटना घटी। अरे क्या, आपके पास तीन तीन बेगम है? नहीं नहीं, आप इतनी छोटी बाजी कैसे लगा सकते हैं? और पैसे लगाइए। भाभी जी मान गए आपको, इतनी जल्दी सीख गई आप। जिंदल भाई साहब, पत्नी की बात मान लीजिए, फायदे में रहेंगे। हाँ, और पैसे लगाइए। शो। अरे। As you wish.
बैठिए, हमारे साथ खेल खेलिए। ओफो दीदी, आप भी ना कैसी बात करती हैं? मतलब इनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे कि इतना बड़ा खेल खेलेंगे, है ना? अरे अरे लक्ष्मी दी, आप भी ना, खेल खेलना तो इन्हें आता ही है, तभी तो अपनी बेटी को हमारी सास बना दिया। और रही पैसों की बात दुर्गा दी, तो हम लोग इनको उधार दे देंगे ना, अब चाहो ना चाहो, है तो समधन रिश्तेदारी निभानी पड़ेगी। के लिए बैठिए। अगर आप लोगों की हंसी चिटोली हो गई हो तो जरा खेल पर ध्यान दें। वो क्या है ना कि मुझे बातों में ज्यादा वक्त जाया करना पसंद नहीं है। अच्छा, खासकर तब जब पैसों का मामला हो। तो बताइए कौन लगाएगा पहला दाम मेरे साथ? दुर्गा जी आप, लक्ष्मी जी आप, तो फिर सरस्वती जी आप। अरे खेलिए ना, बड़ा मजा आएगा। दुर्गा जी कुछ तो गड़बड़ है, मतलब इन भिकमंगों के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं? आप बताओ कि कहीं सासू माँ ने? सासू माँ? अरे नहीं छुटकी, हमारी शादी के बाद तू पहली बार हमारे घर आई है ना, और फिर अब दिवाली का टाइम भी है, तो हम तुझे ऐसे अकेले या कमरे में छोड़ के नहीं जाएंगे। और एक वो पर्व, उसको कोई भरोसा ही नहीं है, वो कभी भी कहीं भी टपक जाता है, गेंद की तरह मंडराता रहता है छुटकी वो। इसीलिए तो कह रही हूँ दी कि मुझे आप यहीं पे रहने दीजिए। देखिए अभी नीचे जाऊंगी, अगर वो सामने आ गया तो उससे बात करनी पड़ जाएगी सबके सामने। नहीं नहीं, इससे बेहतर है कि मैं यहाँ आपके कमरे में रहती हूँ, और मैं अंदर से दरवाजा बंद कर लूंगी ना। हाँ तू ठीक कह रही है, नहीं नीचे नहीं जाना, पावन पर्व पर उस रावण पर्व की टेंशन हो रही है। दी अब बार बार ऐसा बोलते हो, क्या वो सच्ची में इतना खतरनाक? अरे हाँ छुटकी, हजार पापी मरे होंगे तब जाके वो पर्व पैदा हुआ होगा, तू ना उस पे कभी भी भरोसा मत करना। अच्छा सुन, हम ना तेरे लिए कुछ खाने पीने का भिजवाते हैं, ठीक है? तू ना अच्छे से अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, ठीक है? क्या बात है, दीदी को बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर दिया, लगता है बड़ी मूड में हूँ। तुम यहाँ कैसे आए? यही तो खास बात है इस कमरे की, कि कोई भी कभी भी कैसे भी यहाँ आ सकता है। अब अपनी बहन को ही देख लो, फिलहाल तो मैं उस बालकनी से आया था। देखो प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, दी किसी भी वक्त वापस आ जाएंगी, और तुम्हारे बारे में उनसे झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं। आई नो मेरी जान, पर बस अब कुछ दिनों की तो बात है, फिर हमारा प्यार ऐसे बंद कमरों का मोहताज नहीं रहेगा, फिर पूरी दुनिया के सामने मैं ऐलान करूंगा कि रेवती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, आई लव यू। हर बार अपनी बुद्धि के बल पर नहीं जीत पाएंगे, आपको है ना गुड्डन की किस्मत की मदद लेनी पड़ेगी। हाँ बाद में आप हमें थैंक यू बोलेंगे। तुम अपने काम से काम रखोगी तो
तुम्हारी वजह से हार रहा हूँ मिशा। क्या कितने बुरे आप, हम अपना काम ही कर रहे हैं, इस घर की बहू हैं हम और घर में लक्ष्मी लाना हमारा फर्ज है। तुम दिखाइए हमें पत्ते, अक्षत जिंदल से सुपना का नहीं बन जाएंगे आप अगर पत्ते दिखा देंगे तो, नमक नहीं कट जाएगी आपकी, दिखाइए। बिल्कुल नहीं, दिखाइए, छोड़ो गुटन, गुटन पत्ते छोड़, गुटन गुटन नहीं। ठीक हूँ, ये आपके पेपर्स। धन्यवाद। ये तो डाइवोर्स पेपर्स हैं। हाँ वो दरअसल मेरी सहेली के पति वकील हैं और पर्व जी ने डिवोर्स पेपर्स बनवाने के लिए कहे थे, तो मैंने इनसे कहा कि मैं आपके लिए बनवा दूंगी। हाँ मैंने मंगवाए थे, पर मैंने तो अपने दोस्त के लिए मंगवाए थे ना, दिखाना जरा। लो भाई, गर्व की जगह पर्व का नाम लिखवा दिया आपने, पर्व यानी मैं, गर्व मेरा दोस्त। पर्व जी, मैं आपके सारे दोस्तों को जानती हूँ और आपके दोस्त में से किसी का नाम गर्व नहीं है। किसी का नहीं है? गर्व चौधरी, हाँ तुम मिले नहीं? अरे बेचारे का डिवोर्स हो रहा है। पर क्या झूठ बोलूंगा मैं, भरोसा नहीं है मुझ पर है। तो फिर ये फालतू के बात, बेबी ये सब बातें क्यों कर रही हो? तुम नाराज हो गई? अच्छा रुको, मैं तुम्हें अपने हाथों से ऐसा करता हूँ। लो 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 सिद्धि बेबी, क्या क्या हुआ? अरे सिद्धि सिद्धि मेरी बात तो सुनो। लड़कृष्णा लड़कृष्णा सासू माँ उठाइए ना। चुटकी कहाँ गई? चुटकी? अरे सासू माँ कहाँ जा रही हैं आप? हम यहाँ डायमंड से जीत रहे हैं और आपको चुटकी खाई हुई है। दो मिनट में आते हैं ना। मेरी बात नहीं, आप ना ऐसे गेम नहीं खेल सकती। आइए इधर बैठिए, आपको बैठना पड़ेगा। वो रही चुटकी। चुटकी कहाँ चली गई थी तुम? तुझे पता है ना कि मुझे तेरी कितनी चिंता रहती है, तुझे बोला था ना यहीं खड़ी रहना, कहाँ गई थी? अरे दी मैं तो यहीं पे थी, वॉशरूम गई थी। तू यहीं बैठ हमारे साथ, अब यहीं रह, यहीं रहिए, अब तो कहीं नहीं हिलेगी समझे। चलिए भाभी जी अपने पत्ते शो कीजिए। चलिए सासू माँ जल्दी। लॉर्ड कृष्णा लॉर्ड कृष्णा लॉर्ड कृष्णा, और ये हमने खोल दिया। शर्त के हिसाब से इतनी भी क्या जल्दी है, रुकिए तो सही। क्या मांगेंगे? तो भाभी जी इसी के साथ साथ हम जीतते हैं गेम और जीतते हैं आपकी दोनों बहुएं लक्ष्मी और सरस्वती।
क्या बात है, गुड्डन से नाराज होकर यहाँ आ गए? वैसे थोड़ी नहीं, काफी झल्ली है मेरी बेटी, गलतियां भी बहुत करती है, लेकिन एक बात तो सच है, दिल की बहुत साफ है वो। देखिए, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप उसकी गलतियों को नजरअंदाज करें, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर उसे कुछ सिखाने के लिए उसे डांटना भी पड़े तो बेझिझक डांटिए, क्योंकि गिरते पड़ते थोड़ी देर सवेरे ही सही, हर मुश्किल से बाहर आने का जज्बा है मेरे गुड्डन के अंदर। वैसे ये माना जाता है कि एक पति के लिए उसकी पत्नी भाग्यशाली होती है, लेकिन आपकी जिंदगी में कहानी थोड़ी टेढ़ी है, मेरी बेटी गुड्डन के लिए आप भाग्यशाली हैं।